हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम तस्खीर है और इस वीडियो के अंदर मैं रिएक्ट करने वाला हूँ परिस्तान रमज़ान स्पेशल ड्रामा आने वाला है अरसलान और अमन सलीम का। सो इसका फर्स्ट लुक टीजर वन एंड टीजर टू देखेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। चुपके से प्रपोज, चुपके चुपके फैमिली भी आ गई, लव स्टोरी जल्द आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि ये जो फर्नीचर है ना, सारा पॉलिश पुलिश करा के ना तो तुझे जहेज में दे दूँ। ओहो, पॉलिश पुलिश करा के नाना जान, सोफा है वो पप्पू जी, यानी कि शादी के बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। अच्छा, सारे मरहूमीन वही होंगे। ये तो है। अरसल परी, तुम्हें शादी मुबारक हो। परिस्तान शादी मुबारक आ रहा है। आज तो कितनी सोहनी लग रही है जुबैदा। आ मुरू है, तू इकट्ठा जवान लग रहे हैं। मुरू भी है इसमें कि मैं अपनी चांद वर्गी थी किसी चकोर नहीं देनी। वाह जी वाह, एक्टिंग में शायद पहला होगा। चकोर ही है आज, कितनी सोहनी रात है बेटा। आई लव यू। तो फिर मैं आई, समझा? हाँ समझा। परिस्तान। तो ये थे टीजर्स एंड फर्स्ट लुक हमने इसमें देखा। फर्स्ट लुक की बात करें, सबसे पहला जो वीडियो हमने देखा था उसके अंदर सीक्रेटली प्रपोज कर रहे थे रिंग विंग देकर अरसलान एमन को। तो नाम मुझे अभी भी याद नहीं हुआ है इनका। परी का नाम तो मुझे पता है, परिस्तान उनके नाम के ऊपर ही ड्रामा है, उनका नाम मुझे याद हो गया है, लेकिन अरसम करके शायद नाम था जो अरसलान का था। खैर, फर्स्ट लुक की बात करें तो इसके अंदर तो यही दिखाया गया है, चुपके से वो उसको करते हैं लेकिन उनको प्राइवेसी नहीं मिलती है, सब लोग आ जाते हैं, उनको मतलब टाइम नहीं मिलता है आपस में। एंड सेकंड टीजर में देखा है कि लड़की ये बोलती होती है कि नाम रख रखे हैं फर्नीचर वगैरह के, उनकी वो भी बोलती हैं माता जी मॉम जो हैं, वो बोलती हैं कि इस पे पेंट वेंट करा कर तुमको दे देंगे जायज़ में, वो भी काम चल जाएगा। सो एक बहुत ही नॉर्मल से घर की कहानी है ये, जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे, हर कोई रिलेट कर पाएगा कि ऐसी कहानियाँ होती हैं घर घर में। तो वैसी कुछ कहानी इसमें मुझे फील हुई। उसके अलावा नाम रख रखे इन्होंने फर्नीचर के कि ये बाबा हैं, ये बड़े अब्बू हैं, ये वो हैं जो दुनिया से जा चुके हैं। तो वो बोल रही थी कि पीछा नहीं छोड़ने वाले मरहूम जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो रिश्तेदार भी पीछा नहीं छोड़ने वाले, मतलब ऐसा कुछ बोला था, मुझे बहुत फ़नी लगा था वो। ये कुछ अलग कहानी है, फनी भी होगा, लव स्टोरी भी होगी इसके अंदर, मज़ा आएगा। उसी टीज़र में हमने देखा सलाउद्दीन मुरू के नाम से हम उन्हें जानते हैं, यूट्यूबर हैं, तो उनको मैंने देखा, मतलब मैं शौक था कि यार वो ड्रामा में आने लगे। तो ऐसे ही जैसे एंट्री एकदम से अचानक से अरसलान की हो गई थी यूट्यूबर से या वो बन गए थे, तो इनकी भी एंट्री हुई। आई थिंक ये कुछ नौकर टाइप के या फिर पोंछा वोंछा लगाते हुए लग रहे हैं, मुझे वैसा कुछ लुक लग रहा है इनका। तो वो भी किसी को प्रपोज़ कर रहे थे, शायद वो घर में काम करने वाली होगी, उनसे उनका भी इश्क हो जाता है इसमें। तो कहानी काफ़ी सही होगी, बोर नहीं करेगा, आई थिंक बोर नहीं करने वाला है, मज़ा तो आएगा इसके अंदर। अब बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये टीज़र्स वगैरह हमारे साथ देखकर कैसा लगा और क्या कहती है आपकी सिक्स सेंस कि ये कैसा ड्रामा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, ये तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।